दोस्तों, आज हम चल रहे हैं देवसर धाम, जिसकी दूरी लगभग हिसार से 70 से 72 किलोमीटर है और भिवानी से इसकी दूरी लगभग 10 से 12 किलोमीटर है। हिसार से भिवानी 60 किलोमीटर पड़ता है और यही बात हम दिल्ली की तरफ से करें तो दिल्ली से लगभग भिवानी 112 से 115 किलोमीटर की दूरी इसकी है। यह धाम काफ़ी प्राचीन है, काफ़ी पुराना है और माँ भगवती का ये धाम है और काफ़ी प्राचीन होने के साथ साथ यह एक चमत्कारिक धाम भी बोला जाता है। और यहाँ पर जो पूजा पाठ करते हैं, जिस समय में जो परिवार यहाँ की पूजा पाठ करता था, आज भी वही परिवार इस मंदिर की पूजा पाठ करता है। और ऐसा बताया जाता है, यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया है कि यहाँ पे जो परिवार पूजा पाठ करता है, उस समय के बाद अब परिवार बहुत बड़ा हो चुका है तो उस परिवार को दो हिस्सों की कैटेगरी में डालकर एक हिस्सा उस परिवार का एक वर्ष पूजा करता है और दूसरा हिस्सा दूसरे वर्ष इस मंदिर की पूजा करता है, संभालता है, इसके पाठ पूजा देख रेख करता है। और यहाँ पर एक ट्रस्ट भी बनाई गई है, जो इस ट्रस्ट के द्वारा जो पुजारी हैं यहाँ के, जो पंडित जी हैं, वो यहाँ पर देख रेख करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। दोस्तों, ये है यहाँ का मुख्य द्वार, जय माँ दुर्गे भवन। यहाँ से हम एंट्री करते हैं और एंट्री करने के बाद यहीं से हम माता जी के माथा टेकेंगे, मन्नत मांगेंगे और जो आगे की कहानी है वो आपको आगे चलकर बताते हैं पूरी लाइव में। और यहाँ से जब एंट्री करते हैं उसके बाद ये आता है, यहाँ अखंड ज्योत जलती है काफ़ी संख्याओं में और ये कभी भी बुझती नहीं है, कोई भी यहाँ जला सकता है। और इधर देखेंगे, ये है यहाँ का माता जी भगवती का मुख्य द्वार और ये अंदर से माताएं बिठा रखे पिंडी जो भी हैं, जैसे वैष्णो देवी माता हैं। तो दोस्तों, अब हमने माता जी की धूप लगा ली है, माँ भगवती की इच्छा मांग ली है अपनी। और ये यहाँ का बाहर आते हैं तो ये यहाँ का छोटा सा एक बाजार है, जो कि मेला जब लगता है तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। और यहाँ पर ये सभी, जैसे जो यहाँ के आसपास के निवासी है, यहाँ पर जैसे बच्चों के लिए खिलौने और माता के लिए जैसे डोरा वगैरह कुछ भी छोटे छोटे खिलौने की दुकानें यहाँ पर है। और चलिए अब चलते हैं, हम आपको पूरी कहानी बताते हैं, इसका पूरा इतिहास बताते हैं। अब चलते हैं पहाड़ी पर, वहीं आपको दिखाते हैं सब कुछ। तो लेट्स गो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑन द सोनू लव। आप देख रहे हैं सोनू लव और मैं आपका अपना दोस्त सोनू। आज हम आपको लेके आए एक नई डेस्टिनेशन, एक तीर्थ स्थल पे जो काफ़ी ऐतिहासिक है, काफ़ी पुराना ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है, जो माता जी के नाम पे है, माँ भगवती के नाम पे, वैष्णो माता का ही एक रूप माँ भगवती का। आज हम आए हैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, लगभग 8 से 9 किलोमीटर आगे देवसर धाम। तो ये काफ़ी ऐतिहासिक है, काफ़ी पुराना है और इसकी काफ़ी अच्छी ऐतिहासिक कहानी है, जिसके पीछे सारा का सारा इस मंदिर का कैसे निर्माण हुआ, कैसे यह मंदिर स्थापित हुआ। और अभी हम हैं यहाँ ऊपर चढ़ रहे हैं पहाड़ी के ऊपर और यहाँ का दृश्य बहुत ही अच्छा और शांति प्रिय है। और हर बार की तरह मेरे साथ आए हैं विशाल भाई, साथ में हैं और साथ में हमारे जीजा जी भी हैं, अतुल जी। और हाँ जी, हाँ जी जाओ। और यहाँ पे अक्सर नवरात्रों में काफ़ी भीड़ लगती है इस मंदिर में और काफ़ी बड़ा मेला लगता है। और अभी हम नवरात्रों से थोड़ा सा पहले आए हैं, भीड़ नहीं है, ताकि मैं थोड़ा एक्सप्लोर अच्छे से कर सकूं यहाँ पे। और यहाँ आना भी हुआ था, काम भी था मुझे। तो चलिए अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ के रास्ते का व्यू और यहाँ की क्या मान्यता है, कैसे है। चलिए चलते हैं, लेट्स गो। तो गाइस, काफ़ी ऊँचाई पर है, नीचे सीढ़ियाँ थी और यहाँ भी ये काफ़ी ऊंचाई पे पहाड़ी पे है बिल्कुल मंदिर के दर्शन करेंगे। लेकिन यहाँ बिल्कुल ओपन में बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल झाड़ियाँ हैं चारों तरफ और एक पहाड़ के ऊपर ऐसे चल रहे हैं हम। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है और भाई सांस चढ़ रहा है क्योंकि ऊंचाई में चल रहा है। और यहाँ बिल्कुल ऐसे जंगल टाइप सा है और यहाँ पर आके उमस टाइप भी होगी है, गर्मी का सीज़न वैसे ही चल रहा है। विशाल भाई ने पकड़ रखा है अब आज कैमरा आगे से, जो कैमरे के अक्सर पीछे रहते हैं आगे हैं दोबारा से।
जो आपने लास्ट वीडियो देखी पानीपत वाली, उसमें विशाल भाई स्टार्टिंग की थी एंकरिंग, और उसमें कोई गलती हुई हो तो विशाल भाई को माफ़ करना भाई। लेकिन कैसा रहा विशाल भाई का एक्सपीरियंस, अभी इनका दोबारा से एंकरिंग करने का मन कर रहा है, कहूँगा विशाल भाई को बोलो कुछ। जय माता दी। जय माता दी। तो थोड़ा उधर चलते हैं, बिल्कुल कोने पे पहाड़ी पे, और भी ऊपर जाना है वैसे तो। अभी ये थोड़ा सा अच्छा व्यू लगा आज तो। अतुल जी भी काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और विशाल भाई भी ऐसे, ये कोई भाई पकड़ने की जगह नहीं थी, झाड़ियों को पकड़ रहा था। मैं निकल लूँ एक बार, ये दिखाइयो इधर, देखो भाई कितने बड़े बड़े पत्थर है पहाड़ी के ऊपर, काफी एक बार। हाँ चलिए रुको, मैं पकड़ लूंगा वहां पे। ले पकड़ा। एक मिनट रुक जाए, एक मिनट। तो भाई एक भाई है यहाँ भाई, शक्ल ही नहीं दिखाना चाहते आप, चलो इधर से दिखा दो। ये भाई है यहाँ बकरी चराते हैं, और यहाँ पे आए हुए भाई, क्या मान्यता है मंदिर की? आप जाते हो मंदिर में? आप देवसर से ही हो? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो गाइस हम यहाँ पहाड़ पे आके बैठ गए हैं, थोड़ा सा और ऊपर जाना है हमें, तो यहाँ थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा था, थोड़े पसीने वगैरह आ गए थे, पसीने भी सूख जाएंगे। और थोड़ा से आपको बता भी देता हूँ, जो देवसर धाम है, ये देवसर माता का जो मंदिर है, ये लगभग 750 से 800 साल पुराना है, लगभग। और इसकी जो कहानी है, एक बताया जाता है, ऐसा माना जाता है यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा, और जो दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं पूरे देश भर से, उनका ये मानना है करीबन 750 साल पहले एक चरवाहा हुआ करता था, जो गाय को चराता था, बंजारे भी बोलते हैं जिनको, वो यहाँ पहाड़ी पर डेली की डेली अपनी गायें चराने के लिए आता था, और जैसे तैसे वो अपना गुजारा व्यापन करता था। एक दिन क्या हुआ, कुछ चरवाहे की गायें हैं जो पहाड़ी के, कोई उधर चली गई, कोई इस साइड चली गई, कोई इस साइड चली गई, वो उसके सामने से लुप्त हो गई। जैसे उसने काफ़ी ढूंढा, उसे नहीं मिली, तो थोड़ा शाम होती दिखी, थकावट होती दिखी, तो वो सोचा मैं आराम कर लूँ, और वो यहाँ थोड़ी देर सो गए। और सोने के बाद उसको स्वप्न में माता के दर्शन हुए, उनके सपने में माता आई, और उन्होंने उनको आदेश दिया, बंजारे को आदेश दिया कि यहाँ पे मेरी मूर्ति गड़ी हुई है, वो यहाँ से निकाले और मेरा मंदिर यहाँ पे स्थापित करे, और तुम्हारी गायें भी, माता बोली उसको भाई, तुम्हारी गायें भी आपको अपने आप मिल जाएगी, यहीं आ जाएगी। तो इसीलिए उस चरवाहे ने ऐसा ही किया। तो जैसे बंजारे ने गाँव के लोगों को ये बताया कि भाई ऐसे ऐसे मुझे स्वप्न आया है, तो वैसे गांव के लोगों ने मदद की, और यहाँ से वो मूर्ति थी जो माता ने सपने में बताई थी, वो निकल भी गई। ऐसे करके सभी ने मिलके यहाँ मूर्ति की स्थापना की, और मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। उस समय मंदिर बनवाया धीरे 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 करके, जैसे श्रद्धालुओं को पता लगने लगा, और यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, उनकी इच्छाएँ पूरी होती है, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, तो उनकी इच्छाएं पूरी होने लगी, लोग देखने लगे, तो दूर दराज से लोग यहाँ आने लगे। जैसे जैसे यहाँ ट्रस्ट भी बनाई गई, और दान पुण्य काफ़ी मात्रा में आने लगा, उसी के हिसाब से यहाँ पे, जैसे ये पहाड़ी पे है, कुछ श्रद्धालु काफ़ी दूर से, या कुछ ऐसे जो ऊपर पैड़ियों से नहीं आ सकते ऊपर तक, तो उनके लिए यहाँ पर दान पुण्य के पैसों से लिफ्ट की सुविधा भी रखी गई है, लिफ्ट लगवाई गई है। तो चलिए अभी ऊपर चलते हैं, बाकी कहानी बताते हैं आपको ऊपर, बिल्कुल टॉप पे चल के। लेट्स गो। तो गाइस थोड़ा सा और ऊपर रह गया है, चल रहे हैं धीरे धीरे, और विशाल भाई परेशान हो गए हैं आज, मैं बोल रहा हूँ भाई बोलो कुछ। तो विशाल भाई गए फिर, नहीं भैया चलो आगे चलो, साथ चढ़ चुके हैं इसके बिल्कुल। तो कहूँगा भाई मॉर्निंग वॉक पे जाया कर।
तो गाइस फाइनली हम पहाड़ी के ऊपर आ गए हैं और मैं विशाल भाई कहूँगा इधर एक बार दिखाएं, यहाँ पर इस जगह पर महाराज जी रहते हैं जो संत हैं यहाँ के, और यहाँ पर ये महाराज जी की ये प्रतिमा लगाई हुई है, और जो माता जी की मूर्ति मिली थी वो इसी पहाड़ी पर इसी जगह पर मिली थी, और उसके बाद वो मूर्ति यहाँ थोड़ी सी नीचे ला के जो मंदिर है वो सामने आप देख पा रहे हैं, जो देवसर माता का धाम है जो वहाँ पर जाकर स्थापित कर दी गई थी, और जो मंदिर के उस साइड ये पूरा नज़ारा देख पा रहे हैं आप, ये सारा देवसर गांव है, और ये जो पतली सी सड़क जा रही है ये देवसर गांव की तरफ से आ रही है, और जब हम भिवानी की साइड से आते हैं तो इसी रोड से आते हैं, और इधर से अगर उस साइड जाएंगे तो उस साइड दिनोद गांव की तरफ जाता है ये रोड, और वहाँ पर है स्टार टेम्पल जो एक स्टार के आकार में बना हुआ है, वो भी आपको कभी दिखाएंगे, हो सकता है शायद नेक्स्ट वीडियो में दिखाएं। और इधर हम देखेंगे जो ये खेत है इनको पार करके उस साइड भिवानी है, भिवानी से मैंने दूरी बताई थी आपको लगभग 8-9 किलोमीटर की दूरी पे है देवसर धाम, तो यहाँ पर काफ़ी नवरात्रि के टाइम में काफ़ी बहुत लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं दूर दूर से, और माता रानी सभी की इच्छाएँ पूरी करती है, तो आप भी कभी अगर आना हुआ तो आपको एड्रेस बता दिया है मैंने, भिवानी डिस्ट्रिक्ट जो है उसके 7-9 किलोमीटर के दायरे में देवसर गांव है, और देवसर गांव का नाम कम और देवसर धाम के नाम से ज़्यादा ये विख्यात है। हेलो गाइस, मैं आपका भाई विशाल और आप देख रहे हैं सुनील चैनल, और आज आए हुए थे हम देवसर, जैसा आपने वीडियो में देखा, और आज पंखे फट चुके हैं हमारे क्योंकि काफ़ी ऊपर है बहुत, और कभी आएंगे तो आपको भी पता लग जाएगा आने का, विशाल भाई तो मजे भी आएंगे, बोलने का आइडिया से पता लग रहा हो कितने पंखे फट रहे इसके, फट रहे भाई भाई चलो भाई हाँ चढ़ गया बिल्कुल। तो गाइस काफ़ी मेहनत कर रहे हैं यार, पहाड़ी पे आ रहे हैं, तो विशाल भाई घूमा उधर दिखा दिए, भिवानी दिख रहा है उस साइड, भिवानी शहर, और भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार, डेली की डेली गर्मी में बहुत गर्मी हो रखी है यहाँ पे, उमस्सी हो गई है, और हम ये वीडियो इतनी मेहनत से बनाते हैं, आप वीडियो देख तो लेते हैं ना तो उसको लाइक करते और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, कई मेरे भाई मेरे फ्रेंड्स मेरे दोस्त कई ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और विशाल भाई के तो आपको पता लग ही होगा पंखे फट रहे हैं बिल्कुल, और साथ में सांस तो मेरे भी चढ़ा हुआ है, अब यहाँ से चढ़ना है, और अतुल जी है वो आगे आगे हो रखे हैं, उनको एक्सपीरियंस हो रखा है काफ़ी बार आ लिए जी, हाँ जा है जी चलो फिर नहीं जाया जाएगा तो अपन वापिस चलेंगे, और भाई जाने के तो रास्ता है। नहीं नहीं रहने दो ना ना क्या करेंगे, तो भाई गाइस यहाँ एक गुफा है जो काफ़ी मतलब अब रास्ता आगे नहीं दिख पा रहा है, और झाड़ियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई है, नहीं तो आपको वो गुफा भी दिखाते, और उस गुफा में अब कोई जाता भी नहीं है, और काफ़ी झाड़ियाँ हैं, और ये पे ये कांडे ये छोटे छोटे ये और गड़गे और पैरों में भी चल गए बहुत, दिखा विशाल भाई को दिखाइए भाई यार, ये इन्हें हाथ से हटाएंगे तो आंगुलियों पर बिगड़ रहे, चिमटी से निकालने पड़ेंगे, तो भाई लाइक करना, चलिए अभी थोड़ा सा उस साइड चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस अतुल जी हैं भाई, पता नहीं कौन कौन सी पहाड़ी पे घुमा रहे हैं, बिल्कुल थका दिया है खुद तो हो रहे हैं, फॉरवर्ड हमें और करना की सोच रहे हैं आज ही एक दिन में, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत हमने भी की है साथ में, आज अतुल जी ने भी की है, इन्होंने बहुत घुमाया है भाई पहाड़ी पे, एक पहाड़ी पे और आ गए अभी हम, पता नहीं ये कहाँ पे ले आए, बिल्कुल चारों तरफ ये झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, और ये देखो हो यहाँ थोड़ी सी आगे हवा सी लगी है, हाँ तो चलिए आगे चलते हैं, अभी आगे देखते हैं क्या है। तो गाइज यहाँ पे जो महाराज जी हैं संत जी हैं जो यहाँ पे दूना लगाते हैं यज्ञ करते हैं, ये वो यज्ञ का स्थान है उनका, और काफ़ी ऊंचाई पर है, थोड़ा सा सांस भी फूल गए,
और यहाँ पर धूना लगाया जाता है, यज्ञ होता है, काफ़ी यहाँ की मान्यता है। और यहाँ पर इधर देखेंगे, विशाल भाई को कहूँगा एक बार इधर आके दिखाए, लोग यहाँ मान्यता लेकर आते हैं। वो जो आप ईंट से घर देख रहे हैं बनाए हुए, लोग यहाँ पे आके घर बनाते हैं, जिनके पास अपने घर नहीं है यहाँ पर अरदास लेके आते हैं और काफ़ी संख्या में आते हैं और उनकी अरदास पूरी भी होती है, माता रानी करती है। तो गाइस चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज पहाड़ी पे चढ़ा गए, अतुल जी ने हमें थका सा दिया क्योंकि हमारी भी इच्छा थी यहाँ पहाड़ी पे जो मंदिर है वो देख के आए। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ, हालांकि भिवानी की दूरी ज़्यादा है नहीं, हिसार से 60 किलोमीटर है, मैं काफ़ी बार आ चुका, लेकिन यहाँ देवसर धाम में यहाँ पहली बार आया हूँ। अतुल जी लेके आए मेरे को। और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना कमेंट करके, और जय माता दी का जयकारा लगाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय माता दी, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। ये लो भाई गाइस, जीजा साले को जुलाते हुए सावन के झूले। ये गाइस, ये पवन पवन भैया इस बार कोथली देने लेट आए थे, तो तो गाइस इसका अब बदला ले चुका है, ले चुके हैं जीजा जी। आगे विशाल भाई की बारी भाई, ये देखांगे मेरी बारी में। विशाल भाई बहुत खुश होने लग रहा था। विशाल भाई थे तो पूरा नु खींच के लेना पड़े प्रोग्राम। अतुल जी गाइस बहुत मजा आ रहा है, पहली बार ये बेरा पटे जी ईब चढ़ाओ ऊपर खिचाई को नहीं पतंग ये बाबा जोर। कैसा लग रहा है विशाल भाई? मजा आ गया।